महेंद्रगढ़ के एक्शन ऑफिस में क्षेत्र के दोगड़ा अहिर कोथल खुर्द भाखली के ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अभियंता बुद्धराम पवार को ज्ञापन सौंपा और ऑफिस के बाहर बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि हमारी खेती के लिए मिलने वाली लाइट पिछले लगभग एक माह से बिल्कुल भी सुचारू रूप से नहीं आ रही है, विशेषकर दिन के समय। ऐसे में खेती करने वाले किसान की हालत क्या होगी। ग्रामीणों ने बताया कि हमारी लाइन बहुत ही पुरानी हो चुकी है, वह बिल्कुल जर्जर हालात में है। इन तारों को बदलवाने हेतु ग्रामीण पिछले एक्शन साहब से भी मिले थे, लेकिन पिछले पाँच माह से उस लाइन पर भी कोई कार्य नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए बताया कि इसी तरह लाइट अव्यवस्थित रही तो हम सभी ग्रामवासी सामूहिक रूप से कनेक्शन कटवा लेंगे, वे किसी भी प्रकार का बिल नहीं भरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ग्रामीणों ने मांग की हमारी बिजली सुचारू रूप से दी जाए। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि बिजली विभाग के कर्मचारी से जब फोन पर बात करते हैं तो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता और ज्यादातर समय तो फोन ही नहीं उठाते। समस्या यही है कि हमारे को लाइट पूरी नहीं मिल रही, हमारी खेती बर्बाद हो गई, तो हम सारे किसानों ने बेड़ा कहना। अगर हमारा समाधान नहीं किया गया, अगर हमारी लाइन चेंज नहीं करी गई, लाइट पूरी नहीं दी गई, तो हम अपना आंदोलन करके ना हम कनेक्शन कटवा के ना बिल नहीं भरेंगे और हम सामूहिक रूप से बड़ा शासन ने कितने दिन का समय दिया है? एक महीने से शासन ने कराए और हमारी यही डिमांड है, यदि लाइट नहीं आई तो 10 आदमी यहाँ पर आत्महत्या करेंगे, इसका जिम्मेवार एक्शन साहब होगा, बिजली महकमा होगा। एक महीने से दिन के सर में लाइट बिल्कुल नहीं आती है हमारे यहाँ। अभी आश्वासन करें, पता करेंगे। हमारा मुंडियाखेड़ा पावर हाउस के अंतर्गत बाढ़ की फीडर आता है और हम पिछले एक माह से परेशान हैं कि हमारा जो दिन का टर्न होता है लाइट का, उसमें हमें 2 से 2.5 घंटे से ज्यादा लाइट नहीं मिल रही। जमींदार की यही एक 12 महीने की फसल होती है, जो नकदी फसल बोलते हैं हम जिसको, इस हालात में अगर हमारी फसल बर्बाद हो जाए तो हम कहाँ से तो बच्चों की फीस भरेंगे, कहाँ से हम अपना गुजारा करेंगे। अगर बिजली प्रशासन हमारी अगर ये मांग नहीं मानता, लाइट नहीं देता है, तो हम सभी लोग सामूहिक रूप से अपने कनेक्शन कटवा लेंगे और आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये मुंडियाखेड़ा हमारा 132 केवी पावर हाउस है, जो HVPN के अंदर आता है। उसमें कुछ फीडर है हमारे एग्रीकल्चर के, जो कल हमारा एक ब्रेकडाउन हो गया था, कुछ हमारा वहाँ सब स्टेशंस का काम चल रहा था, उसके कारण उन्होंने शटडाउन किया था। तो नो डाउन, एक तो ब्रेकडाउन हो गया, एक शटडाउन हो गया, तो कंज्यूमर को परेशानी हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कंज्यूमर का टेलीफोन आया था, तो मैंने ये बताया जितना हम कंपनसेट हो सकते हैं वो करेंगे। तो उसके बाद हमने उसको दिन में जैसे ही कंपनसेट थे उसको पार्ट में दी, हम 6 घंटे या 4 घंटे उनको सप्लाई हमें दे दी। और अभी भी हमने HVPN से बात की है, HVPN में एक दूसरी हमारा निगम है, वो ब्रांच है हमारा, DH है वो HVPN है। तो HVPN से उनसे अधिकारियों से जो बात हुई है, JEE से या SSC से, उनका कि हम 2 ग्रुप के 3 ग्रुप में चला देंगे। तो 3 ग्रुप में चलाने से हमें ये फ़ायदा होगा, अगर कोई मेरे फीडर ब्रेकडाउन हो गया या कोई भी हमें काम करना पड़ा तो उसको कंपनसेट नेक्स्ट ग्रुप में कर सकते हैं। तो वो मेरी बात होगी, मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में समस्या नहीं आएगी।